हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया नया वीडियो। आज हम आए हैं जमुआई माता। तो ये देखो, हम जमुआई माता पहुंच चुके हैं। ये है मेन मंदिर जाने का रास्ता और ये पहाड़ के तलहटी में बना हुआ मंदिर है। चारों ओर बड़े बड़े पर्वत आपको नज़र आएंगे। हरियाली के रूप में सिर्फ़ और सिर्फ खजूर नज़र आएंगे, खजूर के कुछ वृक्ष नज़र आ रहे हैं। और ये यहाँ गाड़ी पार्क कर दी गई है। यहाँ बाहर कुछ दुकानें यहाँ लगी हुई है जो प्रसाद वगैरह वितरण कर रही है यहाँ। तो यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। और यहाँ देखो एक पुराना सा ये है। ये पूजा की थाली यार। ये सरने तुम्हारी पूजा की थाली जी ने सेव किया थाली सम्मानी में। तो आपका नाम? मेरा नाम कानू पंडित। तो आप पंडित जी, बताइए मंदिर के बारे में, कौन सी लोगों की कुलदेवी है और जयपुर से कितनी दूरी है? जयपुर से है 23 किलोमीटर। 23 किलोमीटर। हाँ। और कुलदेवी? कुलदेवी कच्छा वंश की। कच्छा वंश की, सेकावतों की भी है क्या? हाँ, कच्छा और मंदिर सेकावतों में सब आ गए। अच्छा, स्थापना? स्थापना मंदिर है 1115 साल पहले का। 1115 साल पुराना है। हाँ, अखंड जोर जल रही हूँ वहाँ से, है ना? कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू 1167 साल दूल्हे राय जी है ना। हाँ। और ये जगह किस नाम से फेमस है? जमुआई माता मंदिर। वो राम रामगढ़ है ना, जमुआ रामगढ़। अच्छा, यहाँ से पढ़ा था। उनका नाम रामगढ़ था पहले, फिर जमुआई माता आई, फिर जमुआई माता से जमुआ रामगढ़। और ये जो यहाँ कुछ दूरी पर बांध है वो रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध है। अच्छा, और ये अखंड जो होता है वो कंटिन्यू चलती रहती है। हाँ, कंटिन्यू रहती है। अच्छा अच्छा, चलो धन्यवाद। सावंश की कुलदेवी है, सिकावती कुलदेवी है, जयपुर से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ के।